इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम जितने भी इलेक्ट्री लोग हैं कि अपने टाइम में जितनी भी डेवलपमेंट पेंडिंग है या जहाँ पे फंड्स के इश्यूज आ रहे हैं या फॉरेस्ट के कई सारे इश्यूज आ रहे हैं उनको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे और यहाँ पे काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ सरफराज खान। दिन ब दिन हम आपको जो है वो इस इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं, लेकिन जिस रोड पे आज हम खड़े हैं इस रोड का कई बार पहले हम तस्करा कर चुके हैं, कई बार जो है वो हम गुहार लगा चुके हैं। ये रोड चंडीमढ़ से मनई की तरफ 6 किलोमीटर रोड जिसको बनना था और लगभग 3 करोड़ 60 लाख का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन कई वजूहत थी जिसके कारण इस रोड पर डिस्प्यूट आया और ये बंद हो गई है। और आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के आला अधिकारी मेरी मुराद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन मैडम ताजीम अख्तर जी, आज यहाँ पे उनका विजिट हुआ और आज उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा कि किस तरह का ग्रेड बना हुआ है, क्या है, अब आगे लोगों को क्या आश्वासन ये देंगी, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पसमंदा इलाके में, गे गुजरे इलाके में जो है वो इन लोगों के बीच में आप आए और स्टेट समाचार में भी आपकी पहली मुलाकात है, जिस मकसद के लिए आज आपको यहाँ पे विजिट करवाया गया, आप क्या आश्वासन देंगे लोगों को, क्या ये जितनी भी खस्ता हालियाँ हैं ये कब तक जो है वो बेहतर हो जाएंगी? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं, हमारे साथ जो ऑनरेबल DDC मेंबर रियासर हैं, इन्होंने मुझे कई बार हमारी मीटिंग्स में भी इस रोड का जो है इशू उठाया इन्होंने और मुझे इन्होंने बोला भी, तो आज हम DDC मेंबर हैं, हमारे साथ सरपंच हजरात हैं और लोग भी हैं, हम सब ने मिल के यहाँ पर आज मैंने विजिट किया है जो बरमगला से मनई की जा रही है जो 6 किलोमीटर है, यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है रोड का। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपके चैनल के थ्रू मैं अपनी आवाम तक यही कहना चाहती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इसको हायर अथॉरिटी तक जो है टेकअप करेंगे और ज़रूर इस पे जल्दी जो है काम वो शुरू होगा, क्योंकि अगर रोड सरकार ने फंड्स दिए हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम जितने भी इलेक्ट्रिक लोग हैं कि अपने टाइम में जितनी भी डेवलपमेंट पेंडिंग है या जहाँ पे फंड्स के इश्यूज आ रहे हैं या फॉरेस्ट के कई सारे इश्यूज आ रहे हैं उनको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे और यहाँ पे काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। जिस तरह से कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में सरकार तो नहीं है, लोगों ने जो है वो कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का अगर दारोमदार है तो वो आपके कंधों के ऊपर है, लास्ट उम्मीद जो है वो इन लोगों ने आपके ऊपर लगाई थी, क्या सच में जो है वो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इन लोगों को भी जो है वो इन चीज़ों का सामना करने से छुटकारा मिलेगा? जी ज़रूर इंशाल्लाह, लोगों की जितने भी उम्मीदें हैं, देखिए मैं ये नहीं बता सकती कि हम लोगों की पूरी उम्मीदों पे खड़ा उतर सकते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हमारी खुद की होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जहाँ फंड्स की बात की जाए या सरकार की, जैसे आपने बात की, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में तो अभी UT है, चलो हम जितना भी हो सके ऑनरेबल LG साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जितने भी LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करके हम ज़रूर इसको जो है रोड को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, जितना भी है हम इसको फॉलो अप करेंगे और जितने भी पेंडिंग रोड्स हैं या काम से हमारी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे वो हमारे काउंसिल के मेम्बर हैं या इलेक्टेड लोग जितने भी हैं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि अगर लोगों ने हमें चुना हुआ तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उस पर खरा उतरेंगे और अपने जितने भी हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पांसिबिलिटी है, उस पर ज़रूर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस पर ज़रूर जो है वो काम करेंगे भी, रिस्पांसिबिलिटी बनती है तो इंशाल्लाह निभाएंगे ज़रूर, जितने भी मसले हैं उनको ज़रूर हल करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा, चाहे वो PMGS डिपार्टमेंट है या गवर्नर इंतजामिया की तरफ से भेजे हुए अधिकारी यहाँ पे आए, लेकिन किसी ने भी पब्लिक का या प्रेस का फेस करने का जो है वो हिम्मत नहीं रखी, लेकिन आज एक खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने जो है वो एक खूबसूरत अंदाज से जो है वो जवाब दिया कि ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब चीज़ों का मसला हल होगा, कोशिश करेंगे, बात करेंगे, और जब कोशिश होती है तो वो कोशिश जो है वो एक दिन रंग भी ज़रूर लाती है। देखते रहें स्टेट समाचार, सरफराज खान पुंछ से।